हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी मैं थोड़ी सी धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सुबह का 4:30 बज रहे हैं अभी और बच्चे सो रहे हैं। ये देखिए, एक उधर एक इधर, तो सब सोए पड़े हैं, बस मैं और मेरे बेबी जाग रहे हैं। बेबी मेरा बेबी बहुत अच्छा है, मेरे साथ सुबह सुबह जाग गए और मैं तैयार हो गई हूँ अपनी सरगी खाने के लिए। और सुबह कितनी ज़्यादा है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। ये देखो, इंसान तो इंसान, मेरा जानवर भी सो रहा है इस टाइम। इसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मैंने नीचे से उठा दिया इसको। ये पैरों पे सो रहा था, मतलब रास्ते में सो रहा था, मुझे नहाने जाना था, तो ऊपर आके मेरी सीट पे सो गया कि तूने जगाया ले तेरी सीट पे सोऊंगा। तो जी मैं अब जा रही हूँ, सबसे पहले मैं नारियल पानी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा पराठा वगैरह खाऊंगी और उसके बाद दोबारा सो जाऊंगी। मैंने फर्स्ट ईयर लिया था थोड़ा सा स्वीट वगैरह, उसके बाद 2 साल मैंने और फास्ट रखा है पर नहीं लिया कुछ भी, क्योंकि मेरे को ना इतनी सुबह उठा नहीं जाता ना भूख लगती है, लेकिन इस साल लेना ज़रूरी है। देखो बेटा, खराटे बोश लेना बोश बोश खराटे लेते। ओ तेरा कौन ले रहा खराटे, मैं जग रहा हूँ। है। हाँ सुनते हैं ठीक है मेरे। तेरा कौन ले रहा खराटे, इसके पापा बोले नहीं थे ना तब से एक शब्द भी। अब उनके जागते ही ये जाग गया कि मम्मी तैयार हो गई है, कहीं दोनों कहीं जा तो नहीं रहे हैं। तो अब नारियल पानी दे के बेबी बनाने जाएंगे पराठे और मैं खा के मस्त सोऊंगी दोबारा। देखो तू ऐसा कर ना, करवा चौथ के व्लॉग में भी तू ही हीरो बन जा, सारे व्लॉग में तू ही हीरो बन। देखो मेरा प्यार ले लिया, आपके सामने है, ये देखो बाप का लेने ही है। उसको ये हो रहा है कि तुम दोनों कहीं भी जा रहे हो तो मैं साथ जाऊंगा तुम्हारे। तो बेबी नारियल पानी दे दो मेरे को पहले। यूजुअली तो आप लोगों को पता है सरगी वगैरह सुबह सुबह मतलब 4:30 बन के तैयार हो जाती है, सासू माँ वगैरह देती हैं, पर मेरे पास अभी मेरी सास ससुर देवर जेठ नंद सारे यही अवेलेबल है, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड। भाई बॉडी दिखाओ। अमित के ऊपर कूद गया, लगी तो नहीं ना उसके, आराम जाते चाचा सो रहा है, कुत्ते सोन दे उसे। ये लड़का इतना दुखी करता है हद से ज़्यादा। अब हम लोग अभी खाने के बाद सोएंगे क्योंकि मेरे को तो नींद ही नहीं आई आज पूरी रात, कमर में मेरी इतना दर्द हो रहा है। तो घुस जा चिच्चे बाबा, बहुत कूट है और एक नंबर का कुत्ता है, व्लॉग नहीं बनाने दे रहा है। और मैं इसी वजह से धीरे बोल रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सरीता और अमित सोए पड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि नींद डिस्टर्ब हो इनकी। और अभी मैं सो के दोबारा उठूंगी और उसके बाद लल्ला वल्ला जगाऊंगी अपने, इतनी सुबह तो मैं नहीं जगाने वाली उन्हें। आओ ऊपर आओ, देखो इसको बस पता लग जाए कि कैमरा चालू है, इसको ऐसा है कि सुपरस्टार तो मैं ही हूँ इस कैमरे का। तुम किसी को चैन से जिंदगी जीने दोगे नहीं दोगे, कह रहा तुझे तो नहीं दूंगा। और अभी पानी भी पी लूँगी, मेन मेरा ये है कि मैं नारियल पानी पी लूँ। खाने की तो मुझे इतनी नहीं है पर खाने में ये नहीं सोने देंगे क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन का बहुत डर है, क्योंकि मुझे रात को वॉमिट्स हुई हैं, तो मुझे ये है बस डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। तो अभी मैं नारियल पानी पी के मिलता हूँ आपसे, तो घुस जा मुँह में मेरे। तू क्या कर रही है बे? सुबह सुबह दांत दिखा रही है? बैठो ही बैठो, आराम से बैठो। तो डार्लिंग किसा लग रहा सुबह सुबह परेशान करके मेरे को भी? बेबी बार तो आपकी लंबी उम्र के लिए है ना। अच्छा हमको ठीक है जैसा है, नहीं वर्त रखा जाता है ये इनको। देखो। अभी तक यही हो रहा है कि मैं फास्ट ना रखूं, मैं खाऊं पीऊं पूरे दिन, लेकिन मेरे को रखना है, मैं रखूंगी। ये उठ गई है, साथ में इसकी सौतन भी उठ गई है, उसका ही बर्थडे आज। अच्छा ऐसे तो पूछूं, सेठ जी सेठ जी, मैं जब उनके बगल में बैठती हूँ तो तुम बैठ जाते हो जाके, मेरी डार्लिंग को तुम अपनी डार्लिंग बनाते रहते हो। आज मैं पूरे दिन व्रत रखूंगी, निर्जला इसके कटोरे का पानी फेंको। आप व्रत निर्जला रखोगे मेरे साथ? ने मुंह फेर ले चले गल। जो भी इसको आका लेती ना, ये तुम्हारे लिए रख लेता, पता है। उसने मुंह फेर लिया चले गल। आप व्रत रखोगे? आप व्रत रखोगे? खाना नहीं खाओगे? क्या बकवास कर रही है, मैं सुन नहीं रहा हूँ उसकी। लो आप भी पी लो नारियल पानी। मुझे नारियल पानी पी लिया मैंने और मेरी छोतन देखो कच्ची बैठी है छोटी सी चिच्चे बाबा। मेरे को सच में कभी कभी समझ नहीं आता ये औलाद पैदा करी है या हमने क्या लाया घर के अंदर हम। है समझ गया, मेरे बारे में बोल रही है, समझ गया। देखना तेरा, मैं तेरा बेटा ही हूँ पर थोड़ा सा पापा को ज्यादा पा करता हूँ, पापा को ज्यादा पा करता है मेरा बेटा। मम्मा को कर लिया करो ना, मम्मा बहुत करती है, मम्मा बहुत। तो
तो इसके पापा गए हैं ऊपर पराठा बनाने, और भगवान मैं कह रही हूँ मुझे हर जन्म में मेरे पति ही देना, मेरे को हर जन्म में मेरे पति देना, मेरा पति बहुत अच्छा है, और हर जन्म में यही वाली छोतन देना, ये छोतन भी बहुत अच्छी है। इसकी देखो देखो इसका ना एंगल देखो ऊपर की तरफ है, बिकॉज ऊपर से आवाज़ आ रही है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं बना लूँ क्या, तो कहते नहीं तू बैठ मैं बना के लाता हूँ, तू रहने दे सुबह सुबह, और फटाफट से लेकर आएंगे वो। मैं बहुत थोड़ा सा ही खाऊंगी, वैसे तो मीठा वीठा बहुत कुछ खाते हैं पर मेरे बस की तो नहीं है। पर अभी देखना है, इनसे ना पैसे झंटूंगी, बोलूंगी सरकी के पैसे दो मेरे को, चरकी के पैसे मांगेंगे पापा से, ठीक है चरकी के पैसे। एक पराठा मैंने खाया, एक से ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया, एक वो खा रहे हैं और मेरी शोतन खा रही है साथ में। छछुरे ए छछुरे, देखो 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 ए छछुरे, मेरे पति के साथ खा रहा है, मेरे पति के साथ खा रहा है, कह रहा नो मैं अपने डार्लिंग के साथ खा रहा हूँ। चिच बाबा तू खा रही है पाठा, देखो 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 देखो, और अब आप खाओगे ना तो आपके बाइट से बाइट लेके खाएगा ये, देखो तू मेरे पति के साथ पाठा खाओ, देखो 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 मेरे देखो रामजादे बेबी, थैंक यू इतना अच्छा पराठा खिलाने के लिए सुबह सुबह। अब लाओ बेबी सरगी के पैसे दो, सासू माँ पैसे भी देती है सुबह सुबह, पराठा नहीं पैसे दो, पैसे पैसे दो ना बेबी, नहीं है बेबी जेब खाली कर, पैसा नहीं है जेब में, रुको ये लो ला दो। कितने चालाक हो बेबी, जल्दी दे दो खा के, मैं मतलब खा तो मैंने लिया, अब मैं ढेर सारा पानी पी के सोऊंगी। चुप चुप, तू देखो 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 मेरे मुझसे तो मुंह ही उधर कर रहा है, इसको मैं देखेगा ही नहीं, देखेगा नहीं तो मैं मांगेगा नहीं। देखो मेरी वजह से आज तुम्हें भी सुबह 5 बजे खाने का मौका मिल रहा है, क्या भाग है तुम्हारे। तो बेबी मेरे लिए बनाओगे नहीं तुम, मैं और तुम्हारा छोटा बेबी पूरे दिन भूखे रहते, वरना मुझे भी खा रहा है। ये छछुरा है, छछुरा छछुरे चीचे बाबा, खा लो खा लो। इसको मैं कितना भी प्यार कर लूँ इसके लिए मैं कंपटीशन ही रहूंगी। अब आपका खाना कंप्लीट हो गया, पैसे दो। ये देखो हंसी, ये बदतमीजी करी ना तो मैं छोड़ेगी नहीं, अगर सिक्का दिया ना टांडले पे मारूंगी सिक्का, सही बता रही हूँ मैं टांडले पे मारूंगी सिक्का, पहले बोल मैं ले ही नहीं रही हूँ भाई, 500 का नोट दे भाई, 500 का नोट दे, 500 पैसा नहीं 500 का नोट चाहिए, मैंने मैंने इसलिए नोट बोला, मैंने चेट जी पैसे दिलाओ भाई, पैसे दे 500 का नोट लूंगी मैं, 200 का दिख रहा है 200 का दे दे चल, नहीं बेबी 200 का तो ऑरेंज ऑरेंज मैंने देखा है बेबी, अगर नहीं हुआ तो लूंगी, नहीं बेबी ग्रीन वाला नहीं, मैंने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज दे, नहीं बेबी ये बार बार यही क्यों निकल रहा है, ऑरेंज वाला दो, मैं भी ये बार बार एक ही नोट निकाले जा रहे हो, ऑरेंज वाला दो, नहीं पर्पल नहीं, मैंने इसमें ऑरेंज भी देखा था, 500 का नहीं है मैंने मान लिया, 200 का दो तो दो दो, देखो 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 ऑरेंज है, ऑरेंज, चीटिंग मत करो बेबी, ऐसे कैसे हो रहा है बार बार, जल्दी दे दे बेबी नींद आ रही है। हाँ दे, 1 रुपया लगा के दो, 1 के सिक्के से ना शगुन कटता नहीं है कभी भी, 1 का लगाओ ना, 1 के से शगुन कटता नहीं है, 111 रुपए मिले हैं मुझे शीन, 211 हाँ 211 तेरे को मिले। मैं तो बस तुक्का लगा रही थी लेकिन मेरे को सच में 211 रुपए शगुन भी मिल गया सुबह सुबह। और ये देखो आशिक, कभी कभी ना मेरे को इन दोनों को देख के सच में जलन होती है, पता ही नहीं इन दोनों का क्या चलता रहता है। और ऐसे ही करते करते सुबह के 5:30 बज गए, अब नींद तो नहीं आ रही लेकिन मैं सोऊंगी, थोड़ा सा हैवी हो गया, एक ही पराठा इनका इतना हैवी हो जाता है कि खाया नहीं जाता। और अब मैं जब जगूंगी दोबारा तब मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से स्वागत है मेरा आपका मेरे चैनल में, मैं तो मेरे चैनल में हुई, और अब सुबह हो गई, बच्चे जाग भी गए हैं, वो देखो वो भूत वहाँ बैठा हुआ है, ये सरिता यहाँ बैठी हुई है, और मेहंदी तो मैंने इस बार लगवाई नहीं, तो फिर मैंने सरिता से कहा कि घर जा रही है वो, रुक नहीं रही, हमने तो बोला रुक जा, रुकती नहीं है लड़की, लेकिन क्या करें। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा मेरे अलता लगा दो, मैं खुद लगा नहीं पाऊंगी बिकॉज अभी बैंड नहीं हो पाती, देखो मेरे लगा रही है, सुंदर सा लगाना, लग भी रहा है ये नकली सा,
हल्का कलर है ना। हाँ मेरी मेहनत बैठ के लगा रही है। ओए रुक जा, हंस के दिखा देगी कि कोई कुछ बोल ही ना पाए उसके आगे, बस हंस के दिखा देगी, रुक नहीं सकती। एक दिन भाभी का फास्ट है। शीनू चुप, बाबा दिख दिखा हो गई। ए घोड़ू, ए कुतिये, बाबू तुम आवाज देना इसको, अगर ये उठा तुम्हारी आवाज मारूंगी बहुत। चुटकी पे उठ गया आरामी। देखो बाबू बोल दे, बोल दो बुआ रुक जाओ, मैं बुआ नहीं हो का। देखो दोस्तों, सुबह उठते के साथ ही केक पे टूटे पड़े हैं बिल्कुल, और एक कटोरी चाट चुके हैं, दूसरी कटोरी की तैयारी है। बेबी तुमने सच में नाम के लिए मेरा जन्मदिन मनाया कल बिल्कुल? केक और जन्मदिन कैसे मनता है? नहीं तो क्या करा आंटी, एक केक लेकर आए जिसकी मैंने एक और खाई है कल केवल, और खुद से दो कटोरी केक चाट चुके। क्या जन्मदिन था, वो भी रात के 11 बजे लाए हैं। बेबी बदतमीजी मत करो, फास्ट है मेरा बेबी। गिफ्ट होता है मेरे हिसाब से, जन्मदिन का मतलब गिफ्ट होता है, पर तुमने कल कंजूसी कर ली कि आज करवा चौथ था। बहुत इस चीज में बच गई है, कह रहे मैं तो बहुत बढ़िया घुमाता फिराता तुझे, वो तो तेरे तूने मना कर दिया था कि मेरा अवर था, अगले दिन मैं घूमने नहीं जाऊंगी। बेटा आज मैं घूमने भी जाऊंगी और आज मैं गिफ्ट भी लूंगी। ठीक है, पता है ये वाली धमकी काम नहीं करती। मैं बोलती हूँ ना कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत है, मैं पानी पी लूंगी, तो पता है क्या बोलते हैं कि पानी पी ले, मेरे को क्या है। इनको मतलब ये है कि तू पी ले, तू खा ले, तू भूखी मत रह। लेकिन अब मैं अगर इन्होंने आंटी मेरे को शाम तक गिफ्ट नहीं दिया तो अब मैं भूखी ही रहूंगी, कल सुबह तक भी भूखी रहूंगी, कल शाम तक भी भूखी रहूंगी, देखना। मैं आंटी व्रत ही नहीं खोलूंगी अगर गिफ्ट नहीं दिया। इतने कंजूस इंसान है, मतलब हर साल डिमोशन करते जा रहे हैं, अब तो इतनी भी शर्म नहीं बची कि एक गुलाब का फूल ले। पहले साल गुलाब और चॉकलेट तो आई थी बेबी, आंटी अब वो भी नहीं आता। गुलाब महंगा हो गया यार, तो गुलाब चाहिए भी नहीं, गुलाब चाहिए भी नहीं। अपने 40 रुपए रखो अपनी जेब में, 50 मेरे से ले जाओ, मुझे चाहिए गिफ्ट। और नहीं आया ना तो ये वाली धमकी तो तुम लेते नहीं हो कि मैं कुछ खा लूंगी, मैं भूखी रहूंगी, जाओ। मैं भूखी रहूंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, तेरा बच्चा भी भूखा रहेगा, सब भूखे रहेंगे। शीनू इधर आ, तू भी भूखा रहेगा। खाना में क्या बनाऊंगी आंटी? खाना वाना मैं सोच रही हूँ भारी खा लेंगे, पुए बना लूंगी चढ़ाने के लिए, और क्या। क्योंकि ये इनको पिछली बार पता क्या हुआ, पूरा खाना बना बनाया रखा रहा हमारा ना, इनको बाहर जाने की हुड़क लग गई थी। हाँ कुछ मीठा मंगा लूंगी, या तो इनको बाहर जाने की हुड़क लग गई थी, इतनी बारिश थी कहने को। शीनू शीनू भी भूख रही, क्या मिली? नहीं समझी। शिरडी, शिरडी, मैं कह रही सीढ़ी सीढ़ी बोल रही है। मुझे अमित अपना नाश्ता कर रहा है, छोले भटूरे लेकर आया है वो, और कोई उसको आंखों से जादू फेंक रहा है। देखो देखना देखना आएगा, कह रहा चाचा मेरा बर्थ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा दे दे भैया, रे मैं तेरा बेटा। देखो 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 देख 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 देख, अब तू ऊपर की तरफ ले बाइट, ऊपर की तरफ बाइट ले, देख नीचे से ऊपर लेके जा मुंह की तरफ। अरे अमित दे दे, इतना सा दे दे, दे दे अमित दे दे, दे दे इतना सा दे दे। कह रहा ये मिल गया, अरे अब बोल दो अब जाओ जाओ, हो गया बेटा, खा गया ना, कितना स्वादी है ये। कह रहा है ये तो बहुत अच्छा लगा चाचू मुझे, नहीं अब मत दियो, हट सिनू। पता है मेरी मम्मी के साथ एक एक बुटरा खा जाता है ये, ऐसे जादू फेंक फेंक के, ये गंदी बात है ना। जी तो फेर के 12 बज गए जैसे तैसे, और भूख तो नहीं लग रही पर प्यास इतनी ज्यादा लग रही है, रात को वॉमिट वगैरह होने लगी थी तो इस चक्कर में और ज्यादा लग रही है। अब बेबी को देखो, बेबी मस्त केक पाड़ पुड़ के बैठे हैं। बेबो बेबो बेबो, बीवी की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखा जाता है? हाँ तो मैंने केक खाया ना। ये कैसा व्रत था? अभी मेरे को मार्केट जाना है, अब ये पतिदेव खड़े हो तो इनको लेके जाऊं मार्केट। मैं करवा चौथ का सामान तक नहीं खरीद के लाई हूँ पूजा का अभी तक, इतनी ज्यादा फास्ट चल रही हूँ। पर मैंने सोचा था कि मैं आज ही खरीदूंगी ताकि थोड़ा सा बिजी रहूं तो दिन कट जाए जल्दी से, क्योंकि मतलब ऐसे तो मुझे सबने कहा तू रेस्ट करियो, पर रेस्ट करती रहूंगी ना तो बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा कि प्यास लग रही है प्यास लग रही है, इसीलिए। बेबी चले बाजार? कितनी देर में? देखा कति आलसी है ये, चल ना मैं वो नहीं है। अच्छा बेबी देख ऊपर देख, एक बार देख तो ले, एक बार देखो अब बताओ सुंदर लग रही हूँ या नहीं। देखो 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 फोन के अंदर देख के ये आदमी हंस रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर कल को कोई गर्लफ्रेंड निकली मैंने बहुत मारना है भाई। मैंने कोशिश, अब अकेले तुमने पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे व्रत रखा है, इन सबको भी तो देखना पड़ेगा। हां इनके लिए कितनों ने व्रत रखा है बेबी, गोली मार दूंगी, गोली अगर कोई से मिल भी गई ना पकड़ के उसका झोटा।
कपार एकदम बिहारी बहू के स्टाइल में मारना मैंने उसको। फिर लोग अब आए हैं जाके मार्केट करने, बेबी करवा चेक कर रहे हैं लेने के लिए। अरे थाली है, इतनी महंगी है, बाप रे बहुत महंगी महंगी। यहाँ नई दुकान खुली है हरे राम, फाइनली कोई एक ढंग के मिठाई की दुकान। कितना मस्त है। तो जी अब दोपहर के 3 बजने वाले हैं और हम लोग मार्केट से सामान ले आए। बेबी थोड़े से बिजी थे अपने ऑफिस के काम में और अब मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, भूख भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही मुझे, थोड़ी बहुत प्यास लग रही है, पर पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है मेरे। अब रीज़न मुझे नहीं पता, शायद पानी नहीं पी रखा है तो मसल्स स्ट्रेन कर रही हूँ, कुछ टाइट हो रही हूँ मसल्स, गॉड नोस। तो जी अब मैं अपने कथा का सारा अच्छे से लगा के कथा करूँगी और उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ा के नारियल पानी वगैरह लूँगी, सो दैट बेबी को भी थोड़ा सा जाए कुछ खाने का, क्योंकि हम तो अपने भूखे रह सकते हैं बट हमें नहीं पता ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो वो छोटी सी जान है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो आई हैव टू टेक। तो हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी मीठा खाने का, बट मैं नारियल पानी और फ्रूट लूँगी ही लूँगी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अब बात अपने मन की नहीं, अपने छोटे बच्चे के भी मन की है। तो इस वजह से, और मेरे बाल थोड़े से चिपकू चिपकू हो गए क्योंकि मैंने मास्क लगाया और हेयर मास्क ज़्यादा हो गया लग रहा है जैसे। अब मैं बस थोड़ा सा सजावट कर लूँ, सारा कुछ लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है जी। मैंने सारा सामान रख लिया और अब मैं स्टूल पे बैठ के लगाने जा रही हूँ सामान। देखो 3:05 हो चुके हैं, नहीं 3 बजने में भी 5 मिनट बाकी हैं। और मेरी सांस मेरी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है क्योंकि मेरे को इस जगह और इस जगह, ये दो हिस्सों में बीच में नहीं हो रहा, यहाँ और यहाँ पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब चाह रही हूँ कि जल्दी कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मैं अपने जल चढ़ा के कुछ खा पी लूँ। और मीनवेल शीनू को देखो आप लोग, बाहर से आवाज़ आ रही तो कसम से, सेठ जी चुप हो वो सेठ जी, बाहर की आवाज़ों पर गौर कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये तैयारी शुरू हो गई है, ये मैडम हमारी बैठी हुई हैं, लगी पड़ी हैं। तो मैडम जी कैसा लग रहा है आपको आज, खाली पेट, भूखे पेट, प्यास, बिना पानी पिए? तो फटाफट जल्दी जल्दी करो, कुछ खा पी लो, हम चाहते हैं तुम खाओ पियो मस्त रहो। ये मत चले तो मुझे भैंसा बना दो। तो क्या दिक्कत है, भैंसा बन जाए तो मेरा भैंसा तो मेरा ही रहेगा। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। तो कर लो फटाफट जल्दी जल्दी और फिर खा लो यार। नहीं खाऊंगी भी, बस मतलब फ्रूट खाऊंगी, फ्रूट खाऊंगी नारियल पानी, पर हो जाएगा उतने में भी। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो फटाफट करो, ठीक है? हाँ ओके डार्लिंग। तो तक हम थोड़ा सा काम निपटा ले अपना। बेबी मेरे को रोली ला दो। मैंने अपनी करवा माई लगा दी है बहुत सुंदर सुंदर, और ये मैंने मेरा करवा चौथ पूजन की थाली, करवा फ्रूट, मीठे करवा, मिठाई और ननद को देने का सामान, इसमें ये सामान है उसका, आई होप उसे अच्छा लगे। ये मेरा कुत्ता, जैसे हमारे बचपन में हम लोग मम्मी कुछ भी पूजा करती थी चिपक के बैठ जाते थे, तो दिस इज़ व्हाट आई गेट, ये चिपक के बैठ जाता है मेरे से। और मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रखा कुछ भी, करवा वगैरह थाली सब सिंपल है, क्योंकि वो सब वेस्ट हो जाता है बाद में, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। और अब मैं पूजा करके फटाफट से आपसे मिलती हूँ। ये कथा गुलू कथा कर रही है और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो भोलू कुत्ता इसके बगल में बैठा है। हाँ भाई सीनू ये इसलिए बैठा है कि इसको बर्फी मिलेगी, लेकिन इसको नहीं पता कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे किसी आशीर्वाद मिलेगा, मम्मी ने कथा करी है तो देख देख देखो मुंह चल रहा है बेटा, बर्फी तो बेटा शाम को। अरे अरे राक्षस राक्षस राक्षस, ये देख हंस गया। चलो छत पे चलेंगे, छत पे जैसा करके आएंगे अब, चलो आराम से।
सो रहे हरे हरे पटल लेते हैं। तो जी कथा कर ली मैंने, आपको दिखाई दिया था सारा, सूर्यदेव को जल भी छुड़ाए ही, और 4 बजने वाले हैं, और अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरे होंठ, देखिए लिपस्टिक में भी पता लग रहे हैं कि सूख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पानी पीऊँगी बहुत आराम से बैठ के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ वो दिक्कत देगा, और उसके बाद नारियल पानी पीऊँगी। तो मैं आपको उसके बाद ही मिलती हूँ, फिर मैं शाम की तैयारी करूँगी, शाम का सूट तैयार करूँगी करवा चौथ का, और टाइम दे रखा है 8:09 का, आई होप 8:30 तक तो आ ही जाए चंदा मामा, वैसे ऐसे इतने अच्छे हैं नहीं वो, पिछले बार तो 11 बजे आए थे, बाकी देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जी सुबह आपने देखा था मेरी ननद रानी को मेरे अलता लगाते हुए, और अब मेरे पतिदेव मेरे लगा रहे हैं नेल पेंट, क्योंकि मैं झुक के बहुत कोशिश करी, मैं लगा नहीं पाई, मैंने हाथ में लगा ली जैसी तैसी मुझसे लगी, और नीचे से सेठ जी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बेबी कैसा लग रहा है पत्नी की सेवा करने में, बेबे एकलवा देखा, अब बेबी मैंने बेबी बोला तो तुम सुनते रहे, तुम भी कम नहीं हो। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि प्यार से बोला कर, मैंने 3 बार बेबी बोला, तुमने कलवा बोलते। अरे पेंटिंग कर रहा हूँ ना, कहीं इधर हो गई, लग गया ना, अच्छा लगाया, साफ साफ मेहंदी नहीं लगाई है ना, तो बड़ा खाली खाली लग रहा है मेरे को, मैं नेल पेंट ही लगा, नेल पेंट से मेहंदी वेहंदी लगवानी मेरे को, इस पे लगाओगे मेरे हाथ पे रहने दो, लगा दोगे, हाँ 3-4 उंगली पे पिंक 1 पे रेड लगा दो, ये फैशन है, मैं लगवा के मिलती हूँ आपसे। अबे कैसे लग रहा हूँ मैं, अच्छी लगती हूँ? ये रुको, आप कैसी लग रही है यार, मेरे को नहीं पता, इच्छा बाबा कूटी, इयररिंग मैच कर गए, इयररिंग देखो मैंने चूड़ा भी बना लिया मैचिंग का, अपनी चूड़ियों से जो मम्मा लाई थी नहीं वाली, है ना, सब कुछ मैचिंग मैचिंग हो गया, मैं छोटा बेबी मैचिंग मैचिंग है, वो कह रहा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है, चांदनी निकला बेबी, 8:05 9 का टाइम था, सुबह 8 हो गए। बोलो भाई दोस्तों चंद मामा को जल्दी निकला करे, प्रेग्नेंट भी होते हैं लोग भाई, बीमार भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, फर्स्ट टाइमर भी होते हैं, चीनू ने भी व्रत रखा है, चीनू पनीर खा के बैठा है, तूने व्रत रखा पापा के लिए अपने, तू डार्लिंग बोलता है, कह रहा मम्मी मैंने व्रत रखा, बस मैंने सुबह से ना 250 ग्राम पनीर खाया, बस कुछ नहीं खाया, मैंने पनीर वाला व्रत रखा था, जैसे इनने रखा है आज कम पानी वाला, नींद में से उठ के मेरे से बोलते गोलू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कम पानी पिया है आज, माँ तो तुम्हारा कौन सा व्रत है, पी लो फटाफट। तो अब दोस्तों इंतजार करते हैं चंद मामा का कब आएगा। जी चंदा मामा फाइनली बहुत सारा वेट करने के बाद आ गए, और बेबी को देखो, बेबी इधर देखो, बेबी इधर आओ, बेबी तुम्हारी भी फोटो लूं, मेरा बेबी लेके जा रहे हैं मेरी प्लेट, मेरी छत पे चंदा मामा कम दिखते हैं, इसीलिए हमारी प्योरी सी गुड़िया आई है हमको बुलाने कि भाभी चलो चंदा मामा आ गए, भाग गया शीनु भाग गया, तो मैं बच्चों की छत पे पहुंच के मिलती हूँ आपसे, बाबू एक जना पकड़ना ये बहुत तेज हवा है, इनने भाभी ने 4 लोग वो रख रखी है, मुझे पता था मैं भी ले आती, ला देखो इस साइड आओ भी, इस साइड आपको देख लेती हूँ पहले मैं, तुम व्लॉग ही बनाओ, मेरे को आशीर्वाद देना, दूसरा नाम पुतो पलो, आशीर्वाद दो कि मेरे पति हमेशा बने रहे, मैं बुढ़ापे में ऐसे ऐसे ले लाठी अभी से ले ले। ले फोटो भी ले दो, फोटो नहीं आएगी, बंद करके ले दो ना, लेडी
सुनो मेरे से। लो भाई पानी पियो, रख दो, खड़े रहो व्रत नहीं रखा लेकिन मेरे से पहले वो खा रहे हुए भी। बस 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 इतना बहुत है। लाओ मेरा गिफ्ट दो, मिठाई खिलाओ मुझे, गिफ्ट दो मेरा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का खाना है हमारा आज का। तो बीबी मजा आ रहा है? हाँ, भी जस्ट बाइट लिया। टेस्टी है? ज्यादा तो नहीं है। चलो उठ रहे खा के देखते कैसा है। हम लोग घर वापस आ गए, साथ में मेरे लल्लू बल्लू बैठे हैं। बेटू राजा, मम्मी घर पे छोड़ के खाना खाने गई, पर चिन्ना मत कर आइसक्रीम लाई है। इसके लिए हम लोग शुगर फ्री आइसक्रीम लेकर आए हैं, और वहां लल्ला के पास आपको दिख रही होगी शुगर फ्री आइसक्रीम। तो मुझे ऐसे सूंघ रहा है, मैं किसी और से मिलके आया हूँ, और बाहर खाया पिया हमने, पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन था, और यू नो ये पॉश रेस्टोरेंट्स में स्पाइसी तो देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बेबी कैसा रहा, है ना टेस्टी नहीं लगा दादा? हाँ स्पाइसी नहीं था ना फूड इस वजह से, पर हमारा व्रत कंप्लीट हो गया, माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा जाना बेबू, ओ बबुयो हँसी देखा करो मेरे बेटा की, इतनी वर्ल्ड बेस्ट हँसी है, किसी के पास इतनी अच्छी हँसी हो तो बता देना भैया मम्मी को। तो और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों, लाइक करा करो, व्यूज आते हैं, इतने सारे लाइक आते हैं, 2-4-5 लाइक वगैरह करा करो, सब्सक्राइब भी जल्दी कर दो, और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ दोस्तों, उसके बाद होगी पार्टी। अरे मुंह पे भाप नहीं छोड़ गरम गरम। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मेरे बेटा का आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया है। बाय बाय।